मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री हुई फिल्म छपाक। जी हां, एमपी सरकार ने फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी पर आधारित है ये फिल्म। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण फिल्म के लीड रोल में है। सीएम कमलनाथ ने इस ट्वीट करके वीडियो को बताया है कि टैक्स फ्री ये कर दी गई है। आपको बताते हैं छपाक को लेकर देश भर में जहां एक तरफ इसमें एक संदेश दिया गया है, तो वहीं एक इसमें जो करेक्टर हैं, जो इसमें रोल निभा रहे हैं, उनके नामों को लेकर भी इस तरीके से एक अफवाह रूमर्स फैल रही है कि इस और ये फिल्म को लेकर भी कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है जो उनके वकील हैं उन्होंने कि ये फिल्म में मेरा जिक्र नहीं है बल्कि इस केस को मैंने हैंडल किया और इसमें अहम भूमिका निभाई। तो उन्होंने भी इस पर निर्णय आज आएगा, आज इस पर सुनवाई होगी। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो ये फिल्म मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दी गई है। अधिक जानकारी के साथ दुर्गेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, जिस तरीके से देखा जाए मध्य प्रदेश में ये जो फिल्म है वो टैक्स फ्री कर दी गई है, और इस टैक्स फ्री करने के पीछे का कारण क्या रहा? बिल्कुल दीपक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो 10 जनवरी को रिलीज होने वाली पाक मूवी है, जो कि ऐसी महिलाओं को लेकर यह मूवी बनाई गई है, तो उसको मुख्यमंत्री ने टैक्स फ्री किया है। वहीं पर यदि माना जाए तो मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस मूवी को जो टैक्स फ्री किया है उसके पीछे की बताई जा रही है कि जो यह मूवी है इसमें जो अटैक एसिड अटैक से पीड़ित महिलाएं हैं, औरतें हैं, लड़कियां हैं, जो इनसे पीड़ित लड़कियां हैं उनको लेकर एक सकारात्मक संदेश जाए जनता के बीच में, इसलिए फिल्म बनाई गई है। और ये फिल्म दिखाकर लोगों तक जो आरोपी जिस तरीके से ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं उन पर भी एक भय का माहौल इस मूवी के माध्यम से बताया जाएगा कि किस तरीके से उनको बाद में परेशानी का सामना करना पड़ता है, महिलाओं के साथ में किस परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस मूवी में एक संदेश दिया गया है, इसलिए कमलनाथ ने इसको टैक्स फ्री किया है। दुर्गेश, में बात करें कि जेएनयू दीपिका पादुकोण के जाने के बाद और साथ ही साथ करेक्टरों के नाम चेंज करने को लेकर जो तरीके विरोध किया जा रहा है देश भर में, क्या उसके बाद यहाँ पर जो दर्शक हैं उनका क्या रुझान देखने को मिल रहा है इस फिल्म को लेकर, भले ये टैक्स फ्री कर दी गई है? बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से जेएनयू दीपिका पादुकोण पहुंची थी वहां पर, उसके बाद से दीपिका की ये मूवी छपाक की रिलीज होने वाली है 10 जनवरी को, तो यहां पर बहुत सारे दर्शकों में ये रिव्यू देखने को मिले थे कि बहुत सारे दर्शक भड़के भी थे। और वहीं पर यदि हम कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ ने भी ट्वीट करके कहा है कि दीपिका पादुकोण की एक निजी लायक है, वो इनके व्यक्तिगत विचार थे कहां जाना है, किसी के आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है। तो दीपिका पादुकोण का साफ तौर से मध्य प्रदेश सरकार ने समर्थन करते हुए और ये अपने ट्वीट किया था मध्य प्रदेश सीएम कमलनाथ ने। और वहीं पर भी बात की जाए तो दीपिका पादुकोण की मूवी के लिए को लेकर भी उन्होंने टैक्स फ्री किया था। चलिए, जानकारी के लिए शुक्रिया आपका दुर्गेश।